अपने नाल नहीं तुहाडे नाल भी है अते वक्त दी हकूमत नाल भी है। भाई सुरिंदर सिंह जी दरबार साहब की मर्यादा दस रहे सन, भाई मनी सिंह जी तुहाडे असी ऋणी हाँ, जिन्ना ने दरबार साहब की मर्यादा बनाई जेड़न कोई हटा नहीं सकेगा। अते सिर्फ पंज दिन मेरी होश अंदर 5 जून तो लैके 9 जून तक वो मर्यादा ही नहीं अंदर प्रकाश नहीं होया। इस हमले दौरान दरबार साहब के आसपास ते विशेष तौर ते अकाल तख्त की तबाही बयान करन तो बाहर सी। दरबार साहब कॉम्पलैक्स विच ही बनी सिख रेफरेंस लाइब्रेरी जला के राख कर दी गई। इस विच पंजाब ते सिख इतिहास नाल संबंधित हजारां दुर्लभ पुस्तकां, साहित्यक रचनावां, गुरु साहिबान द्वारा लिखे हुक्मनामे अते 3000 तों वध हथ लिखित गुरु ग्रंथ साहिब दीआं बीड़ां तबाह कर दित्तियां गईआं। सरकारी तौर ते इस सारी कार्रवाई नूं जायज करार दिंदे होए एह कहा गया कि सरकार कोल इस तों बिना कोई विकल्प रह ही नहीं सी गया। Our action was not against the Sikhs, it was not against the Sikh religion, it was not against the Golden Temple. It was against a very small, comparatively small group, in which we believe there were other people too, not only Sikhs, who were desecrating the holy place. And the action was against them. दरअसल सरकार दा नजरिया की है? सरकार दा नजरिया सिखी नूं खत्म करना है। ये सरकार दी साजिश सी, सरकार सिखां नूं सबक सिखाउणा चाहुंदी सी। फौज गई, फौज विरोधी देशां नाल लड़दी है, और मैं समझना उह सिख कौम उत्ते जिन्हें देश दीआं हद्दां ते राखी कीती उहनूं मारन लई उहदा हरिमंदर उहदा अकाल तख्त ढाउण लई फौज नूं चाढ़िया, इह देश दी सरकार दे मत्थे रहिंदी दुनिया तक कलंक रहेगा। लोकां विच इस दुखदाई घटना दा प्रतिकरम एना गहरा सी कि ओ समुची सिख कौम दी इज्जत नूं जलील कीता गया समझण लग पए। जदों भी किसे कौम दा धार्मिक मक्का ढाया जावे, श्री अकाल तख्त साहिब ढाया जावे, धीआं भैणां दी बेइज्जती कीती जावे, नौजवानां दा कतलेआम कीता जावे, बच्चां नूं शहीद कीता जावे, ओह तुसीं देख लो भी किन्नी क मतलब भी दुर्दशा उस कौम दी उस इंसान दी उहनां दी हो सकदी जिन्नी क मतलब साडी होई आ। I at that time warned Mrs. Gandhi before Blue Star, and she kept assuring me that there would be no question of this, sending the army into the temple. She did it, and I quoted a Urdu couplet in Parliament at her, which I think sums up. Wo waqt bhi dekha tareekh ki ghadiyon ne, lamhon ne khata ki thi, sadiyon ne saza paayi. I told Mrs. Gandhi, you made a blunder and the country will pay the price. 1984 vich darbar sahib upar hoye hamle to baad Punjab vich kade shanti nahi hoi. Punjab de ajoke dukhant da mudh Punjabi suba andolan de naal hi shuru ho gaya. Nehru sarkar de samay jadon desh de hor hissiyan vich bhasha de aadhar te sube banaye ja rahe san tan uttari bharat vich पंजाबी सूबा जिंदाबाद का नारा लगाने ते भी पाबंदी लगा दी गई सी। जेडी कांग्रेस का अपना जो सिद्धांत सी लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने का आजादी तो बाद उन्हें भाषाई सूबे बाकी तो सारे हिंदुस्तान विच बनाने प्रवान कर ले या कमीशन बिठाता, लेकिन उस कमीशन नूं पाबंद कर दिता भी उत्तरी भारत विच कोई नहीं करना, कोई सिफारिश नहीं होगी, कोई भाषाई प्रांत नहीं बनेगा। एजिटेशन शुरू हुई पंजाबी सूबा जिंदाबाद, ते तुसी हैरान होवोगे भी उस वेले दी लीडरशिप ने, उस वेले दी सरकार ने जिहदे मुखी पंडित जवाहर लाल आर नकाटजू वगैरह सन, उन्होंने बैन कर दिता, यह पटेल भी जिंदा सन उदों, कि तुसी पंजाबी सूबा जिंदाबाद भी नहीं कह सकते। इस पाबंदी नूं तोड़न लई 14,000 सिख जेलां विच गए। 14,000 जेलां विच जाण तों बाद सानूं इन्नी क गल कहण दी आजादी मिली, चंगा तुसीं पंजाबी सूबा आजाद कह सकदे हो।
पंजाबी सूबा जिंदाबाद कह सकते हो। फिर पंजाबी सूबे लिए लड़ाई लड़ी, चाहिए तो यह सी आजादी तो बाद लोगों नूं इह मौका ही ना मिलता। जिस तरह आजाद देशां दीआं सरकारां ईमानदारी नाल बोली दे मसले कल्चर दे मसले आउंदिआं सार इह पहला मसले हल कर दिंदे ने तां कि किसे बंदे नूं सरकार ते इतराज करन दा मौका ना मिले, पर साडे देश दे हुक्मराना ने उन्हां नूं शायद फायदा ही इसे गल विच सी, बोली दे झगड़े हो ही जाण साडी गद्दी कायम रहे। जे ईमानदारी नाल सोचदे शायद गद्दी उन्हां दी एदों भी तकड़ी होनी सी। जे मसले हल हो जांदे सारे, बोली दा मसला, सूबियां दा मसला और घट गिणतियां दा मसला, ये मसले आउंदिआं सार हल हो जांदे, शायद उन्हां नूं भी अपनी गद्दी दा फिक्र नहीं सी रहना, ये भुलेखा सी उन्हां नूं। पंजाबी सूबे लई लाया गया मोर्चा कई साल चलदा रहा। मास्टर तारा सिंह ते संत फतेह सिंह ने इस मोर्चे की अगवाई की। पंजाबी सूबे दे मोर्चे लई सब तो वध कुर्बानी सिखां नूं ही करनी पई, क्योंकि पंजाब की बहुती हिंदू जनता इस हक विच नहीं सी कि उत्तरी भारत विच कोई अजिहा सूबा बने जिथे कि सिख बहुगिणती विच हो जाण। आम तौर ते उन्होंने इस मंग का विरोध ही किया। 1965 विच हिंद पाकिस्तान की जंग शुरू हो जाण कारण ए मोर्चा अगे पा दिता गया। हिंद पाक लड़ाई विच सिखां ने वध चढ़ के हिस्सा लिया। आखिर इंदिरा सरकार ने 1966 विच पंजाबी सूबे की मंग तो परवान कर ली, पर चंडीगढ़ जिसनू पंजाब की राजधानी वजों विकसित किया गया सी उसनू हरियाणा ते पंजाब की सांझी राजधानी रहन दिता गया। पंजाब के बहुत सारे पंजाबी बोलते इलाके जां ते हरियाणा नूं दे दिते गए जां हिमाचल के हिस्से आ गए। पंजाब की बहुत सारी वसों ते खास करके अकाली नेता एहो जिहा लंगड़ा सूबा लैके खुश नहीं सन। इट वॉज ए लोंग रन स्ट्रगल इन विच अबाउट 65,000 पीपल हैड टू कोर्ट अरेस्ट एंड अल्टीमेटली व्हेन पंजाबी सूबा वॉज फॉर्म्ड इट वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल। पंजाबी सूबे की स्थापति मगरों पंजाब के सियासी हालात ने एक नवा मोड़ लेना शुरू कर दिता। अकाली दल ने आनंदपुर साहब विखे अपने सालाना इजलास विच बहुचर्चित आनंदपुर साहब का मता पास किया। इस मते विच राजा नूं वध अधिकार देण दी गल कही गई सी। पंजाब विच पढ़े लिखे युवकां विच वध रही बेरोजगारी नूं ध्यान विच रखते हुए रोजगार के नवे वसीले लभण अते पंजाब विच वड्डे वड्डे उद्योग स्थापित करन दी मंग सी। हरियाणे रह गए पंजाबी बोलते इलाके ते चंडीगढ़ पंजाब नूं देण बारे वी कहा गया सी। फौज विच सिखां दे मौजूदा अनुपात नूं कायम रखण ते रावी ब्यास दे पाणियां दी सही वंड बारे भी जोर दिता गया सी। जिथे आनंदपुर साहब दे मते विच पास कीतियां गईयां बहुतियां मंगां दा संबंध पंजाब दी समुची वसों नाल सी, उत्थे कांग्रेस सरकार ने इस मते नूं देश दी एकता ते अखंडता नूं भारी खतरे दी दस्तावेज कह के इस नूं थां थां ते बदनाम करना शुरू कर दिता। जे उह सारे देश लई वध अधिकारां दा मंग करदे आनंदपुर साहब दा मता, फिर इस गल नाल वक्खवादी कह के क्यों सानूं टाला जावे। पंजाब दी अकाली पार्टी सरकार पास लगातार अपनियां मंगां पेश करदी रही, पर केंद्र विच बैठी कांग्रेस सरकार पंजाब दीयां हक्की मंगां नूं भी विघटनकारी कह के नजरअंदाज करदी रही। हरी क्रांति तो बाद पंजाब जिथे आर्थिक तौर ते खुशहाल हो गया सी उत्थे पढ़े लिखे नौजवानां विच बेकारी दी समस्या गंभीर रूप धारण करदी जा रही सी। पंजाब दीयां समस्यावां बारे कोई भी कौमी पार्टी जां कांग्रेस सरकार गंभीर नहीं सी। 1978 विच अमृतसर विखे होए निरंकारी समागम दे समय अखंड कीर्तनी जत्थे दे 13 सिंघां नूं शहीद कर दिता गया। ओ अव